अस्सलाम वालेकुम, एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। बहुत सारे लोगों का विजिट वीजा रिजेक्ट हो रहा है और रीजन वहाँ पर जो आता है वो सिक्योरिटी रीजन लिखा आ रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये सिक्योरिटी रीजन है क्या, और आप अगर पाकिस्तान के उस इलाके से हैं जिनके वीजाज बैन हैं तो फिर तो आपने स्पेशल इस वीडियो को देखना है, इम्पोर्टेंट वीडियो है। इंशाल्लाह जो भी मालूम आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा वो 100% ऑथेंटिक होगी, तो इसलिए इस वीडियो को भी आपने लाजमी शेयर करना है। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं सबसे पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को इनेबल करना ना भूलें, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी ही कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि आप या कोई दोस्त आपका जानने वाला जब भी यहाँ पाकिस्तान से यूएई में पहुंचता है तो विजिट वीजा तो वो किसी तरीका से हासिल कर लेता है, लेकिन यहाँ पर विजिट से जब वो एम्प्लॉयमेंट में तब्दील करवाता है तो वहाँ वीजा रिजेक्ट होने के बाद जो रीजन आता है वो सिक्योरिटी आता है। या पाकिस्तान में रहते हुए ये भी विजिट वीजा जब रिजेक्ट होता है तो सिक्योरिटी रीजन आ जाता है। तो आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरे लोगों को सजा मिलती है। तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी रीजन आता है इसके बारे में मैंने मालूमात ली है, तो मुझे बताया गया है कि जिस एरियाज के वीजा बैन किए गए हैं इनके लोग यानी कि इन सिटीज के लोग यूएई में विजिट लेकर आए, यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अपना वीजा तब्दील नहीं किया, एक महीना का विजिट था या तीन महीना का था, और अभी तक ज्यादा लोग ओवर स्टे चल रहे हैं। एक तो ये रीजन सामने आ रहा है जिसकी वजह से अभी यूएई गवर्नमेंट ने मजीद इन लोगों के वीजा को अप्रूव करना बंद कर दिया है। दूसरा जो रीजन सामने आया है, सिक्योरिटी रीजन लिखा आता है, तो उसका जो दूसरा रीजन सामने आया है वो ये है कि जिस एरिया के वीजा यूएई गवर्नमेंट ने बैन किए हैं या वो जिनके ऊपर सख्तियां की गई हैं, ये कुछ लोग ऐसे यूएई में आए जिनके पास कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट जेली था, यानी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई थी लेकिन किसी न किसी तरीके से उन्होंने सर्टिफिकेट बना लिया। यूएई में आने के टाइम उन्होंने जल्दी जल्दी में जेली सर्टिफिकेट बना लिया, जिस के ऊपर जो QR कोड है जब उसको सर्च किया गया तो वहां पर कोई भी रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा था। तो इस एक गलती की वजह से भी अभी मजीद लोगों को काफी सारी सख्तियां बर्दाश्त करनी पड़ रही हैं। इसके बाद जो तीसरा रीजन सामने आ रहा है वो कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, इसका वीजा रिजेक्ट होता है यूएई में पहले से उस नाम का और उसकी वल्दियत के नाम का आदमी सेम होता है, यानी आपका नाम आपका फादर नाम सेम होता है और उसने यूएई के अंदर कुछ न कुछ ऐसा काम किया हुआ होता है जिस की वजह से यूएई गवर्नमेंट की नजरों में वो मशकूक होता है। तो सिर्फ आपके नाम मिलने की वजह से वो आदमी चूंकि यूएई के अंदर पहले ही काफी सारे ऐसे काम कर चुका है जिसकी वजह से ये नाम मशकूक हो चुका है, वल्दियत मशकूक हो चुकी है, तो आपके वीजा भी रिजेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। अभी तो बाकायदा काफी सारी वेबसाइट के ऊपर भी इन सिटीज की लिस्ट आ चुकी है जो की तकरीबन बैन कर दी गई है। तो अगर आप किसी ऐसी सिटी से है जिन के वीजा ज्यादा रिजेक्ट हो रहे हैं तो कुछ दिन लाजमी इंतजार करें, अगर आप अप्लाई कर देंगे वीजा रिजेक्ट होगा तो आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उम्मीद है ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमात वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।